Good afternoon, everyone, and welcome to the platform of Unacademy. Academy. Let's crack GATE and Engineering Services Examination with India's largest learning platform, that is Unacademy. Academy. My name is J M Pratik. I have done Bachelor's in Civil, Masters in Structural Engineering. I have over eight years of teaching experience while teaching for Engineering Services Examination, GATE Examination, and SSC Junior Engineer Examination. I have mentored more than fifty thousand students all over India while working as a freelancing. फैकल्टी इन मनी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट मेनी सिटीज ऑफ इंडिया ना यू कैन डाउनलोड दी लर्निंग एप वंस यू डाउनलोड दी लर्निंग टू ऑप्शन आपके पास अन्य को सब्सक्राइब करने के दो ऑप्शन होंगे पहला ऑप्शन होगा प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्या क्या है डेली क्लासेस प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स है डेली लाइव क्लासेस लाइव क्लासेस विल बी देयर रेगुलरली ऑन रूटीन बेसिस क्लास के दौरान आपको कोई भी डाउट आए या कोई भी क्वेरी आए तो आप अपने एजुकेटर से क्लास के पैलल में पूछ सकते हैं तुरंत आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा हमने आपके लिए कुछ लाइव टेस्ट और क्विजेस बनाकर रखे हुए हैं इन टेस्ट और क्विजेस को देने से आपको क्या फायदा होगा आप अपना परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर पाओगे बार बार कहाँ गलती हो जा रही है कौन सा एरिया वीक पड़ रहा है उसको समझने के लिए आपको ये लाइव टेस्ट और क्विजेस देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमने अन अकेडमी में सारे कोर्सेस एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में बनाकर रखे हुए हैं सब्जेक्ट्स का वेटेज के बेसिस पे उनका सिक्वेंसिंग रखा है आपको हर सब्जेक्ट का वेटेज आमतौर पे जो होता है बताया जाएगा किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है सारी बातें आपसे शेयर की जाती है वंस यू सब्सक्राइब टू यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस बाई मीन्स ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस आई वॉन्ट टू कन्वे यू द फैक्ट कि किसी भी वीडियो को रिवाइज करने के लिए उसका रिकॉर्डेड वर्जन आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं किसी भी वीडियो को आप अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं द फीचर्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच इज द टॉप मोस्ट सब्सक्रिप्शन इसमें प्लस के तो सारे फीचर्स मिलते ही मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ पर्सनल कोच ये पर्सनल कोच थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन पीरियड आपकी मदद करेगा प्रिपरेशन की डे वन से प्रिपरेशन की डे लास्ट तक आपको कोई भी समस्या है उसका समाधान निकाल कर देगा आपके एक्सपर्ट्स से बात करवाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा आपकी स्ट्रेटेजी बिल्टअअप करेगा आपको लर्निंग रिसोर्सेज यानी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएगा आपको मेन क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जिसका गेट और ये yes में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आपके स्टडी को ट्रैक किया जाएगा जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसके बेसिस पे आपको रिव्यूज दिए जाएंगे आपको बताया जाएगा कि रणनीति पे कहां पे सुधार की आवश्यकता है साथ ही साथ आपको बूस्ट अप करने के लिए आपके लिए वर्कशॉप कंडक्ट करवाए जाएंगे दीज आर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ एनअमी अंडर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सेक्शन यू नीड टू गो इन साइड सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको जाना है जहां आपको प्लस आइकॉनिक दो सब्सक्रिप्शन मिलेंगे for subscribing to plus subscription the one year and two year subscription packages are 3250 and 44000 further you can apply this promo code mp10 you can apply this code which will avail you additional 10 to 30% of discount this is, are the discounted values after applying the code mp10 कॉस्ट फॉर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर एंड टू ईयर प्रोग्राम आर फिफ्टी टू फिफ्टी एंड सेवेंटी फोर थाउजेंड डू नॉट फॉर्गेट टू यूज द कोड एम पी टेन टू अवेल एडिशनल टेन टू थर्टी परसेंट ऑफ डिस्काउंट सब्जेक्ट चालू किया था हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रेपिड रिविजन कोर्स है जिसमें गेट की गारंटी देते हैं इंपॉर्टेंट uh, टॉपिक्स बता चुका हूं अभी तक चैप्टर वन खत्म हो चुका है चैप्टर टू खत्म हो चुका है हमने कितना क्वांटिटी का पानी चाहिए चैप्टर वन में पढ़ा था शहरवासियों को देने के लिए और उसमें क्या फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस पर बात की थी चैप्टर वन में फिर चैप्टर टू में चैप्टर वन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे टर्बिडिटी थी आ, पी एच था हार्डनेस था और क्वालिफॉर्म बैक्टीरिया में एमपीएन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट था इन पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस बनाए थे फिर हमने चैप्टर टू चालू किया था चैप्टर टू में वाटर ट्रीटमेंट हमने किया था पानी को परमिशिबल लिमिट्स के अंदर लाने के लिए उसकी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए ताकि पानी फिट हो जाए ह्यूमन इनटेक के लिए सेफ हो जाए हमने वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा था बहुत सारे इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस थे स्क्रीनिंग था एरेशन था प्राइमरी सेडिमेंटेशन था सेकेंडरी सेडिमेंटेशन था फिल्ट्रेशन था डिस इनफैक्शन था सॉफ्टनिंग था माइनर ट्रीटमेंट थे और सप्लाई था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेडिमेंटेशन सेकेंड नंबर पर इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन थर्ड नंबर पर डिस इन्फेक्शन सॉफ्टनिंग स्क्रीनिंग और क्वेगुलेशन फ्लॉक्यूलेशन ये बराबर इंपॉर्टेंट है ठीक है भाई सबसे इंपॉर्टेंट सेडिमेंटेशन हो जाता है तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा चैप्टर टू में हमने बहुत सारे सेडिमेंटेशन के फिल्ट्रेशन के डिसइंफेक्शन के क्वेगुलेशन फ्लॉक्यूलेशन के सॉफ्टनिंग के सबके बहुत सारे नोमैरिकल्स किए थे उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा ठीक है भाई आज हमें चैप्टर थ्री चालू करना है और चैप्टर खत्म भी करना है बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा चैप्टर जो हमको आज पढ़ना है डेट इज वॉटर कन्वेंस वॉटर को कन्वे करने के दौरान देखिएगा बड़े गौर से जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ अकेंड गाइस एक सेकेंड के लिए रुकेगा बस यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछे

हमने लोगों को सप्लाई के लिए भेज दिया अब इंटेक स्ट्रक्चर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाते वक्त साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ले जाते वक्त हमने बहुत सारी पाइप्स का इस्तेमाल किया है जॉइंट्स का इस्तेमाल किया है पाइप को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे वॉल्वस का इस्तेमाल किया है और किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लोगों को सप्लाई प्रोवाइड किया है तो आज चैप्टर थ्री वाटर कन्वेन्स जिसमें हमें टाइप ऑफ पाइप्स टाइप ऑफ ज्वाइंट टाइप ऑफ वॉल्स एंड टाइप ऑफ वॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझना है सबसे पहले टाइप ऑफ पाइप पढ़ते हैं पाइप्स आपकी कास्ट आयरन रॉट आयरन स्टील पाइप आरसीसी पाइप 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 पीवीसी कॉपर पाइप ब्रास पाइप लेड पाइप हो सकती है वेट्रीफाइड क्ले भी हो सकता है कास्ट आयरन के मेन फीचर्स क्या क्या है बड़े गौर से देखते जाइएगा कि अपन इसको डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स में इस्तेमाल करते हैं ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन मीन में कास्ट कास्टर पाइप का इस्तेमाल होता है पहले हम पिट कास्टिंग किया करते थे सैंड के पिट में वर्टिकली कास्टिंग और हॉरिजॉन्टल कास्टिंग पहले किया करते किया करते करते थे थे ठीक है सैंड में कास्ट जिनको मैकवेन पाइप्स बोला जाता था क्या बोला जाता था मैकवेन पाइप्स बोला जाता था सैंड के पिट में पहले हम पाइप को कास्ट करते थे आज की डेट में सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से एक सेंट्रीफ्यूगल चेंबर में पाइप को घुमाकर हम बनाते हैं ठीक है मोल्टन आयरन को बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा एक चेंबर है जो कि 2000 आरपीएम से घूमता है कितने आरपीएम से घूमता है 2000 आरपीएम से घूमता है यहां दिखा, तो एक ऐसा चेंबर है ये 2000 आरपीएम से घूमता है ठीक है इस चेंबर में हम मोल्टन कास्ट आयरन डालेंगे कास्ट आयरन को पिघलाएंगे

एक कोने फिका कर एक दीवार से चिपक जाओगे और घूमना चालू कर दोगे सेम हैं तो जाते घूमने -जाते 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 जाते लग जाता है चिपकने लग जाता है एकदम आउटर वॉल्स के सेंट्रिफिकल चेंबर के आउट, इनर वॉल्स जाता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण फिर उस पाइप को दूसरे साइड से यहां से हम निकाल लेते हैं उस पाइप को दूसरे साइड से पाइप को निकाल लिया जाता है पाइप को निकाल कर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है आजकल जितनी भी पाइप बनती है सब सेंट्रिफिकल प्रोसेस से बनती है उनको स्पन व्हील पाइप्स बोला जाता है क्या बोला जाता है स्पन व्हील बोला जाता है कास्ट आयरन के पाइप्स को 700 सौ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर के प्रेशर में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कास्ट आयरन पाइप को इस्तेमाल करने का जो मैक्सिमम प्रेशर है दैट इज 700 हंड्रेड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब नदी से जब आप इंटेक उठाते हैं तो यहां पर आप पंपिंग करते पंपिंग में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पंपिंग के टाइम प्रेशर काफी ज्यादा होगा तो अगर वहां आप कास्ट आयरन की पाइप दे दोगे पाइप बर्स्ट कर जाएगी कास्ट आयरन की पाइप कहां पर इस्तेमाल करते हैं आप वाटर मेन में और डिस्ट्रीब्यूशन मेन में कास्ट आयरन की पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है सात सौ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा का प्रेशर यह नहीं झेल सकता हैवी पाइप होता है आप कास्ट आयरन एज अ मटेरियल समझते हैं क्या आप सबने तोप देखा होगा किलो में फोर्ट्स में आपने तोप देखी होगी। तोप का कास्ट आयरन है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका ज्यादा हो जाता है काफी गुड क्रोजन रेजिस्टेंस होता है क्लियर है मेरा बात इसकी लाइफ तकरीबन हंड्रेड इयर्स होती है परंतु इन स्टेशन के कारण भारत में ये बीस से तीस साल ही चल पाता है इलास्टिक नहीं होता पाइप आप बिल्कुल भी बेंड नहीं कर सकते आप चाहो कि पाइप बेंड हो जाए बिल्कुल बेंड नहीं होगी इसलिए चूंकि बेंड नहीं हो सकती हम छोटे छोटे लेंथ का पाइप्स बनाते कि इस पॉइंट से इस पॉइंट इस पॉइंट जाना है घूम के जाना है तो छोटे छोटे लेंथ का बनाएंगे बड़े लेंथ का बनाएंगे तो ये ऐसा बेंड नहीं हो पाएगा छोटे लेंथ का बनाओगे तो आप उसको अपने हिसाब से बेंड कर सकते हैं समझे मेरा बात को तो कास्ट आयरन का पाइप इलास्टिक नहीं होता इसलिए उसको स्मॉलर लेंथ में अपन बनाते हैं ज्यादा है है. का होता है तो ज्यादा अच्छा करोजन रेजिस्टेंट होता है रॉट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कम होता है करके उसका करोजन रेजिस्टेंस पुअर होता है पुअर करोजन रेजिस्टेंस होता है क्लियर मेरा बात साथ ही साथ में चूंकि कार्बन का कंटेंट कम होता है वेट उसका कम हो जाता है बड़ी गौर से मेरी बातों को समझिएगा रॉट आयरन पाइप का वेट कम हो जाता है क्योंकि कार्बन का प्रतिशत कम होता है कार्बन का प्रतिशत कम होता है करके बहुत अच्छा क्लोजन रेजिस्टेंट नहीं होता कहां पर यूज करते हैं घर में बिल्डिंग्स के अंदर आप का जो ऊपर सिंटेक्स की टंकी है उससे जो पाइप निकला है वो रॉट आयरन का पाइप है ठीक है सर्विस कनेक्शन बिल्डिंग्स में अपन इसको इस्तेमाल करते हैं चूंकि इसका करोजन रेजिस्टेंस की क्षमता काफी कम होती है इसको हम जिंक से कोट कर देते किससे कोट कर देते जिंक से इसकी टॉप की सरफेस चमकीली हो जाती है जिंक कोटिंग के बाद और जिंक कोटेड पाइप का करोजन रेजिस्टेंस की पावर बढ़ जाती है जिंक से कोटेड रॉट आयरन की पाइप को गैलवेनाइज आयरन पाइप बोला जाता है और रॉट आयरन पाइप कोटेड विद जिंक इस कॉललेस रॉट आयरन पाइप टू इनक्रीज रेजिस्टेंस टुवर्ड करोजन जनरल लाइफ 10 टू 20 इयर्स होती है परंतु आमतौर पे ये मैक्सिमम 15 साल चल पाता है घरों में इसका कॉस्ट कम होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि लाइट वेट की होती है अगली पाइप सबसे इंपॉर्टेंट पाइप स्टील पाइप स्टील काफी ज्यादा प्रेशर को झेल सकती है कास्ट आयरन 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर झेलेगा स्टील की पाइप 2000 से 5000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर झेलने की क्षमता रखती है है इतना प्रेशर झेल पाती है करके हम इसको पंपिंग में में पंप्स के पास यूज कर सकते स्टील जैसा आप सबको पता है स्टील एक इलास्टिक मटेरियल है ब्रिज के ऊपर तुम अगर कास्ट आयरन की पाइप दोगे कास्ट आयरन इलास्टिक नहीं है जब गाड़ी जाती है ब्रिज के ऊपर से ब्रिज वाइब्रेट करता है अगर कास्ट आयरन की पाइप दोगे कास्ट आयरन की पाइप इलास्टिक नहीं है वाइब्रेशन को बिल्कुल नहीं झेल पाएगी टूट जाएगी तो ब्रिजेस के ऊपर वाइब्रेशन को झेलने के लिए वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए आप स्टील की पाइप देते हैं मतलब स्टील की पाइप को ब्रिजेस के ऊपर यूज किया जाता है स्टील की पाइप लॉन्गर लेंथ में अवेलेबल होती है ज्यादा लेंथ में इलास्टिक है ज्यादा लेंथ में दे सकते हो नंबर ऑफ ज्वाइंट कम हो जाते परंतु इसको कोरोजन के रेजिस्ट करने की क्षमता काफी पुअर होती है स्टील बहुत ज्यादा कोरोजन नहीं रेजिस्ट कर पाता इसलिए स्टील को अपन कोट करते किससे सीमेंट मोटार से सीमेंट की स्लरी पाइप के ऊपर वन इस टू का सीमेंट मोटार अंदर साइड भी उसका कोटिंग करते बाहर साइड भी कोटिंग करते ताकि वो ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस बन पाए अ स्टील पाइप विट इज करोजन रेजिस्टेंट एंड विच इज कोटेड विद वन सीमेंट मोटार इज कॉल्ड एस स्टील पाइप ही है, है जिसपे सीमेंट मोर्टार की कोटिंग दी गई है क्लियर है मेरा बात चलिए अब स्टील नेगेटिव प्रेशर नहीं झेल सकता नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई और पॉजिटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है समझने का कोशिश करना ये एक पाइप है दोस्तों अगर इस पर प्रेशर पानी का अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है की तरह, तो उसको पॉजिटिव प्रेशर बोलेंगे अगर बाहर से अंदर लग रहा है ऊपर गाड़ी जा रही है गाड़ी चली गई इसके ऊपर से या अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया पानी खत्म हो गया पानी खत्म होगा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा या अंदर की तरफ हो जाएगी ये नेगेटिव प्रेशर नहीं झेल पाएगा ठीक है नेगेटिव प्रेशर कैसे क्रिएट होता है आमतौर पे या तो ऊपर से गाड़ी के कारण हो सकता है व्हीकल्स के कारण या सबसे आम तौर पे ये वैक्यूम के कारण हो जाता है आप सबने बचपन में प्लास्टिक की बोतल या फ्रूटी पिया होगा प्लास्टिक की बोतल से पानी पिया होगा बिस्लरी का फ्रूटी पिया होगा मान लो पानी खत्म हो गया फ्रूटी भी खत्म हो गई उसके बाद भी आपका मन है फ्रूटी को खींचने का आप तेज खींचते तो क्या होता है अंदर अंदर की हवा तुमने खींच ली फ्रूटी के डब्बे के अंदर क्या क्रिएट हो गया दस रुपए वाला डब्बा ठीक है फ्रूटी का दस रुपये वाला जो कार्टन आता है उसमें आपने फ्रूटी खत्म कर ली और हवा खींच ली हवा खींच ली हवा गई अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा वैक्यूम एक अनस्टेबल फिनोमिना होता है कहीं भी कभी भी वैक्यूम क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए एयर लिक्विड सॉलिड जो वो सब भागता है वैक्यूम एक अनस्टेबल फिनोमिना होता है उसी अनस्टेबल फिनोमिना के कारण टोर्डोज क्रिएट होते हैं ट्विस्टर क्रिएट होता है क्लियर है मेरा बात तो मान लीजिए आपने फ्रूटी का या बिस्लरी का बॉटल को सक किया तो क्या होगा अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बॉटल का मटेरियल या फ्रूटी का रैपर का मटेरियल अंदर की तरफ बल्ज हो जाएगा उसको भरने की कोशिश में तो स्टील पाइप के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि भाई अंदर से बाहर की तरफ तुम पॉजिटिव प्रेशर लगाओगे पानी का पांच हजार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर काफी ज्यादा प्रेशर झेल लेगा परंतु नेगेटिव प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं झेल पाता तो तुमको इंश्योर करना पड़ता है कि वैक्यूम ना क्रिएट हो क्लियर है मेरा बात इट के नॉट विटैंड नेगेटिव प्रेशर अगली बात आरसीसी पाइप्स आरसीसी की पाइप्स को आप वाटर मीन्स में भी यूज करते हैं परंतु आरसीसी पाइप का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन सीवर पाइप्स में होता है सीवर की पाइप्स जो घर से घर में जो भी पानी तुमने यूज किया उसको वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया वॉशरूम से टॉयलेट से किचन के सिंक से वो सीवर लाइंस के थ्रू जाएगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो सीवर की जो पाइप्स होती है वो 200 mm डाया से 1800 mm डाया

वेस्ट वाटर में बहुत ज्यादा करोजन होता है क्यों क्योंकि वेस्ट वाटर में केमिकल्स भी होंगे इंडस्ट्री का एफ्लुएंट भी हो सकता है किचन सिंक से ऑयल हो सकता है वेयर हाउसेस गराजेस से ग्रीस हो सकता है ठीक है तो हाई और साथ ही साथ एनोरोबिक डीकम्पोजिशन के कारण पीएच वेस्ट वाटर का कम रहता है तो पीएच कम रहता है करके करोजन का रेट काफी ज्यादा हो सकता है इसलिए सीवर सीवेज को ट्रांसमिट करने के लिए आप कभी कास्ट आयरन या स्टील का इस्तेमाल नहीं करते आरसीसी पाइप्स का आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आरसीसी पाइप में करोजन नहीं होगा हाई करोजन है बट देर इज वन मोर फिनोमिना डेट इज कॉल्ड एज क्राउन करोजन क्राउन करोजन सीवर लाइन में होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये क्या होता है ये थोड़ा आगे आपको पता चलेगा अभी नहीं पता चलेगा थोड़ा आगे आपको पता चलेगा ठीक है है आरसीसी पाइप का कॉस्ट हाई होता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हाई होता है क्योंकि हैवी होती है आप इसको कास्ट कास्ट इन मतलब साइट पर भी कर सकते हैं पीवीसी पाइप का बात करें तो आप इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं सर्विस पाइप्स घर के कनेक्शन पाइप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग काफी इजी है कॉस्ट कम होता है काफी लॉन्गर लेंथ में आप इसकी कास्टिंग कर सकते हैं प्लास्टिक का करोजन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है बहुत ही फायदे ही फायदे दिक्कत क्या है प्लास्टिक के पाइप में पहली दिक्कत कि प्लास्टिक टेस्ट इंपार्ट करता है पानी में इट टेस्ट इन इंपार्टर पहली दिक्कत छोटी दिक्कत बड़ी दिक्कत क्या है इसका कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम होता है इट हैज लो कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन मतलब अगर गर्म पानी आप इसमें से भेज दिए या बाहर ज्यादा टेम्परेचर पर यह पाइप रखा हुआ है ज्यादा टेम्परेचर में चेंज को बियर नहीं कर पाता इसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं तो पीवीसी पाइप सुटेबल नहीं होता हॉट वाटर सप्लाई के लिए साथ ही साथ पीवीसी पाइप आप ऐसी जगह पर नहीं प्रोवाइड कर सकते जहां पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा हो ठीक है एसबेस्टोस पाइप का बात करें एसबेस्टोस एक ऐसा मटेरियल होता है जो सीमेंट और सिलिका से मिलकर बना होता है सीमेंट प्लस सिलिका सीमेंट प्लस सिलिका एसबेस्टोस बेसिकली तो एक बैन मटेरियल है एजबेस्टोस भारत में बैन है परंतु गवर्नमेंट के ही कई टेंडर्स में एसबेस्टोज पाइप का इस्तेमाल होता है क्यों क्योंकि इसका कॉस्ट काफी कम होता है इसका कॉस्ट कम होता है लाइक आप सबसे ज्यादा एसबेस्टोस पाइप कहां पाते हैं जितनी भी सुलभ शौचालय आपको मिलेंगे उनमें एजबेस्टोस पाइप का इस्तेमाल किया गया है आप एजेस्टोस पाइप काफी इजिली ब्रेक हो जाते हैं आप एक पत्थर मारोगे तो वो पंक्चर हो जाएगा उसमें एक होल बन जाएगा लाइट वेट होता है कॉस्ट कम होता है इजिली टूटता है बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता लो प्रेशर के लिए आप इसको यूज करते हैं ये डिफ्लेक्ट कर सकता है 12 डिग्री तक का बेंडिंग प्रोवाइड कर सकता है क्लियर है मेरा बात कॉपर पाइप्स की एक ही खासियत है आप इसको हॉट और कोल्ड वाटर की सप्लाई में यूज कर सकते हैं आमतौर पे हॉट वाटर की सप्लाई में कॉपर की पाइप्स को यूज करते हैं आप सबने देखा होगा एसी है एसी हो या गीजर हो दोनों में जो पाइप का इस्तेमाल होता है गर्म पानी लाने के लिए दोनों में कॉपर पाइप की पाइप्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा टेम्परेचर भी सस्टेन कर सकते काफी कम टेम्परेचर भी सस्टेन कर सकते तो टाइप ऑफ पाइप्स में अपन ने कास्ट आयरन रॉट आयरन रॉट आयरन कोटेड विद जिंक गनाइज आयरन पड़ा स्टील पाइप्स पड़ा स्टील पाइप, पाइप सबसे ज्यादा प्रेशर झेल सकता है इसलिए पंपिंग मीन में इस्तेमाल होता है इलास्टिक होता है करके ब्रिजेस के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कास्टिंग की प्रोसेस पड़ी कि सेंट्रिफिकल प्रोसेस से पाइप्स की कास्टिंग की जाती है आरसीसी पाइप सीवर लाइंस में यूज होती है पीवीसी पाइप एसबेस्टो और कॉपर पाइप्स पड़ी अब बात करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स अलग अलग प्रकार के पाइप के जॉइंट्स कैसे कैसे होते पहला ज्वाइंट क्या है आपका स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट को बेल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं बेल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं बड़ी गौर से समझना स्पाइगॉट इस, इस चीज को बोलते हैं इसमें ऐसा जो बेल निकला हुआ है पहली पाइप ऐसी है जिसमें ऐसा बेल निकला हुआ है क्लियर है मेरा बात इस पोर्शन को बेल या बोलते हैं पहली पाइप ले कर दी आपने दूसरी पाइप अंदर आकर बैठ जाएगी दूसरी पाइप को आप इसके अंदर घुसा देंगे अब आप बोलोगे सर दोनों कनेक्ट नहीं हुए दूसरी पाइप को इसके अंदर डालने के पहले जूट बांधोगे क्या बांधोगे जूट बांधोगे इसके इर्द गिर्द इसमें आपने जूट बांधा है ठीक है पहली पाइप पड़ी हुई है उसमें सॉकेट बना हुआ है दूसरी पाइप पे जूट बांधा पहली पाइप के अंदर इंसर्ट कर दिया फिर हम हाँ यहां पर खाई है कैडबरी के, के, के बार्स होते अपन अंदर इंसर्ट कर देते उसको फिर गैस वेल्डिंग के थ्रू उसको मेल्ट कर देते हैं गैस वेल्डिंग के थ्रू यहां अपन ने लेड डाल दिया पूरा लेट के बार्स डाल लिए है ना ये आपका पाइप था ये दूसरा पाइप पिछला पाइप है ये अगला पाइप है यहां सब आपने लेट के बार्स डाल दिए फंसा दिए फिर इसमें गैस वेल्डिंग कर देंगे गैस वेल्डिंग करके इसको पिघला देंगे तो यहां पर पूरा ये पिघल कर मोल्टन लेट चिपक जाएगा क्लियर है मेरा बात दोनों पाइप कनेक्ट हो जाएंगे आई होप ये बात आप लोग को क्लियर हुई होगी समझ आया मेरी बात आपको दूसरी ज्वाइंट होती है कॉलर ज्वाइंट दूसरी ज्वाइंट है ये कॉलर ज्वाइंट कॉलर ज्वाइंट कैसा होता है आप सबने वो लड़की लोगों का ब्रेसलेट आता है देखा होगा ब्रेसलेट आता है तो ऐसे चिपक जाता है सेम ऐसा एक पाई -पाई की ऐसे, दूसरी पाइप आएगी ऐसे दोनों को मिलाया इनको ज्वाइन करने के लिए इस कॉलर ज्वाइंट को यहां पर लगा दिया तो ये इनको ऐसे कवर कर लेगा और ये दोनों में जो ऐसा बना होगा इसको अपन बोल्टेड कनेक्शन से बंद कर देंगे क्लियर है मेरा बात बोल्टेड कनेक्शन से बंद कर देंगे ऐसे करके तो पाइप्स दूर नहीं जा पाएगी साथ ही साथ यहां पर एक गास्केट होगा चारों साइड यहाँ पे रबर का गास्केट होगा रबर गास्केट मतलब आप सबने प्रेशर कुकर देखा है प्रेशर कुकर की जो रिंग है प्रेशर कुकर के टॉप पे एक रिंग होती है दैट इज अ रबर गास्केट वो मटेरियल गास्केट मटेरियल कहलाता है तो दोनों पाइप के ऊपर आपने कॉलर जॉइंट लगा दिया है कॉलर जॉइंट के अंदर साइड पे कॉलर जॉइंट के अंदर साइड पे ये आपका रबर का गास्केट है इस रबर के गास्केट से फायदा क्या होगा पाइप दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा और ब्रिजेस के ऊपर आप इस जॉइंट को दोगे तो ब्रिज के ऊपर पाइप अगर हिलेगी तो जॉइंट टूटेगा नहीं ब्रिज है ब्रिज पर गाड़ी गई वाइब्रेशन हुआ ब्रिज ब्रिज में वाइब्रेशन हो रहा है के ऊपर आपने स्टील की पाइप दी है क्योंकि इलास्टिक नेचर की होती है पाइप तो स्टील की है पाइप नहीं टूट रही परंतु ज्वाइंट टूट सकता है अगर आपने स्पाइगॉट एंड सॉकेट ब्रिज के ऊपर बना दिया तो ये टूट जाएगा दोनों पाइप रिलेटिव मोशन करेगी ज्वाइंट टूट जाएगा ब्रिज के ऊपर तो वहां पे अपन कॉलर ज्वाइंट या विक्टोलिक कपलिंग दे सकते हैं जिसके अंदर एक गास्केट होगा दोनों पाइप्स हिलेंगी तो भी ये गास्केट उनको डैम्प करेगा और पाइप के बीच रिलेटिव मोशन भी पॉसिबल होगा पानी भी बहेगा पाइप और ज्वाइंट टूटेगी भी नहीं ठीक है तीसरा ज्वाइंट अपन समझ सकते हैं ये पहला पाइप है ऐसा इसमें दोस्तों ऐसा फ्लेंज करके बाहर निकला होगा फ्लेंज बाहर निकला होगा इस फ्लेंज में होल्स होंगे इस फ्लेंज में होल्स होंगे दूसरा पाइप उसमें भी फ्लेंज बाहर निकला होगा दूसरे पाइप में भी फ्लेंजेस बाहर निकले होंगे दोनों पाइप को एक दूसरे से चिपकाएंगे और हर होल में से अपन ऐसे बोल्ट अंदर करके लॉक कर देंगे बोल्ट अंदर करके लॉक कर देंगे दोनों पाइप आपस में कनेक्ट हो जाएंगे आई होप बात आपको समझ आई होगी फ्लेक्सिबल ज्वाइंट यह आपका फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है पहला पाइप है पाइप वन पाइप टू बीच में रबर का गास्केट है बीच में रबर का ऐसे करके गास्केट है यह आप सबने देखा होगा ट्रेन में भी देखा होगा ट्रेन में दो कोचेस को जोड़ने के लिए ऐसा गास्केट टाइप का आप यूज करते हैं कि ट्रेन के डब्बे आगे पीछे हो तो भी अलग ना हो जाए क्लियर है मेरा बात साथ ही साथ उनमें एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो संभावना हो क्लियर है मेरा बात तो ये आपका फ्लेक्सिबल जॉइंट हो गया ये बेंड भी हो सकता है एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन भी परमिट करेगा तीसरा ज्वाइंट पांचवा ज्वाइंट हो गया आपका थ्रेडेड ज्वाइंट थ्रेडेड ज्वाइंट आप सबने देखा होगा पहली पाइप है इस पाइप में चूड़ी बनी हुई है थ्रेड्स बने हुए पहली पाइप में चूड़ी बनी हुई है इसमें अपन लाकर ज्वाइंट फिट कर देंगे ज्वाइंट है आपका इसमें लाके अपन ने फिट कर दिया ज्वाइंट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड यह आपका ज्वाइंट आ गया ठीक है कैसे पहली पाइप को ज्वाइंट के अंदर हमने घुमा कर फिट कर दिया टॉप राइट में मेरे को देखिएगा ये पहली पाइप है ये ज्वाइंट है पहली पाइप को ज्वाइंट में घुमा कर हमने फिट कर दिया आधा सिरा बाकी है इसमें दूसरी पाइप घूम के फिट हो जाएगी थ्रेड्स के थ्रू चूड़ी के थ्रू फिट हो जाएगी दूसरी पाइप में भी थ्रेड्स है वो आके चूड़ी से ऐसे कनेक्ट हो जाएगी सर्विस कनेक्शन में ये छोटे प्रकार के थ्रेडेड ज्वाइंट यूज कर लेते हैं घर की जो सर्विस पाइप है उनमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते क्लियर है मेरा बात तो दो पाइप को ज्वाइन करने के अलग अलग तरीके बताए मैंने आपको स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट कॉलर ज्वाइंट ज्वाइंट फ्लेक्सिबल ज्वाइंट थ्रेडेड ज्वाइंट गाड़ी बढ़ाते हैं आगे अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ वॉल्व अलग अलग प्रकार के वॉल्व क्या क्या होते हैं पहला वॉल्व हो गया गेट वॉल्व घर uh, पर आपके जो टैप पड़ा हुआ है that is a stop आप चाहो तो पूरा पानी बंद कर सकते हो आप चाहो थोड़ा पानी लगाओ आप चाहो फुल पानी लगाओ वैसे ही यह भी काम करता है एक गेयर एंड स्पिंडल मैकेनिज्म से कुछ इस प्रकार पाइप में पानी जा रहा है इस पाइप में पानी के फ्लो को आप चाहो तो इस वेज के थ्रू इस वेज को आप घुमा के नीचे इंसर्ट कर सकते हैं ऊपर ला सकते हैं आप चाहो तो पूरा बंद कर दो पानी को आप चाहो तो आधा खोलो आप चाहो तो पूरा खोलो दो तो इट रेगुलेट्स और स्टॉप्स डिस्चार्ज इन पाइप फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट कर सकता है दूसरा वॉल्व क्या हो गया दूसरा वॉल्व इस रि, रिफ्लक्स वाल्व। रिफ्लक्स रिफ्लैक्स को दोस्तों चेक वॉल्व यानी नॉन रिटर्निंग वाल्व भी बोलते हैं इससे क्या इंश्योर करते हैं आप इट इंश्योर फ्लो ऑफ वॉटर इन वन डायरेक्शन इसको लगाने के कारण पाइप में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी जा सकता है दोनों डायरेक्शन में पानी नहीं जाएगा से फॉर एग्जांपल यह पाइप है आपने एक नॉन रिटर्निंग वॉल्व लगाया है यहां पे पानी सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में पानी जा नहीं सकता क्लियर है मेरा बात उल्टे डायरेक्शन में पानी चाह के भी नहीं जा सकता इस ये कैसे बिहेव करता है समझने का कोशिश करना यह आपका रिफ्लक्स वॉल्व है दोस्तों दिस इज योर रिफ्लक्स वॉल्व ये आपका दोस्तों रिफ्लक्स वॉल्व है दो पाइप एक ही पाइप के बीच में आपने लगाया हुआ है इसमें एक ऐसा कॉइन टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है बड़े गौर से देखना यहां पे हिंजेस से हिंज के थ्रू एक कॉइन लगा हुआ है ये कॉइन खुल सकता है ठीक है और यहां पर इस कॉइन को रोकने के लिए एक ऐसा टाइप का हमने यूनिट बना के रखा है जब पानी इस डायरेक्शन से जाएगा तो कॉइन पूरा खुल जाएगा पानी जब इस डायरेक्शन से जाएगा कॉइन पूरा खुल जाएगा पानी जाएगा बड़ा मजा आएगा परंतु पानी जब इस डायरेक्शन से जाएगा कॉइन खुल ही नहीं पाएगा यह वाला यूनिट उसको रोक लेगा तो पानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है आप बोलोगे सर एक डायरेक्शन में पानी को ले जाकर अपन को क्या मजा आएगा पंप्स में अपन इसको यूज कर सकते हैं टू अवॉइड प्राइमिंग प्राइमिंग क्या होता है कई बार आप सबने किया होगा कि सुबह सुबह पानी चालू किया पानी नहीं आ रहा है नीचे वाला टैंक देखा पानी भरा है पंप चालू कर रहे हैं तो पंप में आवाज तो आ रही है पर पंप पानी नहीं फेंक रहा क्यों क्योंकि उसमें एयर है एयर इन ट्रैप हो गई है उसने एयर सक कर लिया है तो वो एयर ना प्राइमिंग क्या होता है उस एयर को निकालने के लिए आप ऐसे मग से डालते हैं है ना हवा बाहर निकालते है डेट इज कॉल्ड एस प्राइमिंग प्राइमिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो से फॉर एग्जाम्पल ये आपका पंप था यह आपका पंप है दोस्तों जैसे आप पानी ऊपर वाले रूफ पर जो टंकी रखी है उस पर भेज रहे ये पंप घूमेगा और पानी को ऊपर ले जाएगा अब यहां पर मान लीजिए ये आपका टैंक था पंप पंप आपने बटन दबाया, ने पानी ऊपर भेजा द मूवमेंट आपने पंप का बटन बंद किया पंप बंद हो गया पानी उतरना चालू हुआ पानी उतरना चालू हुआ और उतर के यहां चला जाएगा और जब पानी उतरेगा तो जब पानी उतरेगा तो एयर को खींचते हुए उतरेगा एयर को ऊपर से एयर खींचते हुए उतरेगा तो यहां पंप में एयर आ जाएगा यहां क्या जाएगा? आ जाएगा एयर आ जाएगा एयर आ जाएगा आपको प्राइमिंग करने की जरूरत पड़ जाएगी ठीक है एयर क्यों आई क्योंकि पानी नीचे उतर गया पानी नहीं उतरता तो आपको एयर नहीं फंसती ऐसा ना हो करके आप क्या कर सकते हैं आप यहां पे एक नॉन रिटर्निंग वॉल्व लगा सकते रिफ्लक्स वॉल्व दे सकते यहां मान लीजिए आपने एक रिफ्लक्स वॉल्व देकर रखा हुआ है यहां एक रिफ्लक्स वॉल्व है तो क्या होगा पानी यहां से वहां तो चला गया ऊपर भी पहुंच गया लोग ऊपर वाली टैंक भी भर गई आप बटन बंद करोगे तो पानी नीचे नहीं उतरेगा क्योंकि ये रिफ्लक्स वॉल्व में यहां से ऊपर तो पानी जा सकता है पर नीचे नहीं जा सकता तो आप प्राइमिंग से बच जाओगे फिर आता है एयर रिलीज वॉल्व एयर रिलीज वॉल्व क्या करता है इट एक्सिस्ट आउट एयर फ्रॉम पाइपलाइन जो भी पाइपलाइन में एयर होगी उसको बाहर निकालेगा कोरोजन से पाइपलाइन को बचाएगा कोरोजन पानी के कारण अकेले पानी के कारण जंग नहीं लगता अकेले हवा के कारण भी जंग नहीं लगता कोरोजन यानी कि जंग एयर और वाटर के कॉम्बिनेशन यानी मॉइस्चर के कारण लगता है तो अब पाइपलाइन में से कोरोजन को बचाने के लिए या तो आपको पानी निकालना पड़ेगा या तो हवा निकालनी पड़ेगी बाबा पानी तो ट्रांसमिट करना है पानी कैसे निकालोगे तो हवा निकालेंगे तो एयर रिलीज वॉल्व जो भी एयर बबल्स है उनको निकालता है मान लीजिए यह आपका एयर रिलीज वॉल्व है पूरा पानी जा रहा है पूरा पानी भरा हुआ है पानी भरा हुआ है ठीक है ये टॉप भी भरा हुआ है पानी का ये भी पूरा पानी से भरा हुआ है क्लियर है मेरा बात पानी ऊपर वाले चेंबर में भरा हुआ है करके बड़े गौर से देखिएगा यहां पूरा पानी भरा हुआ है बड़ा मजा आ रहा है पूरा पानी भरा है ठीक है भाई अब एयर की एक बबल अंदर गई मान लीजिए पानी में पाइपलाइन के अंदर एक एयर बबल आया वो एयर बबल पाइपलाइन से ऊपर से चलेगा कि नीचे से चलेगा एक एयर बबल अंदर घुसा है वो नीचे से जाएगा बीच से जाएगा कि ऊपर एयर की डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो एयर बबल यहां से जाएगा यहां से जाएगा इसमें घुस जाएगा एक और एयर बबल आएगा वो भी घुस जाएगा एयर बबल आते जाएंगे और यहां पर घुसते जाएंगे यहां पर पानी कम होने लगेगा पहले पूरा पानी जब भरा था जब पहले पूरा पानी भरा था तो इसके ऊपर काफी ज्यादा फोर्स लग रहा था काफी बढ़िया बॉइंट फोर्स लग रहा था अब चूंकि एयर बबल आकर इस चेंबर में भरते जा रहे हैं चूंकि एयर बबल यहां पर भरते जा रहे हैं पानी कम होता जा रहा है एक टाइम पे एक ही स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है या तो एयर या तो वाटर या तो सॉलिड तो हवा यहां पर भरने लग गई तो पानी नीचे उतरने लग गया दोस्तों पानी नीचे उतरने लग गया जैसे ही पानी ज्यादा नीचे उतरेगा तो बॉल के ऊपर लगने वाला ब्वाइंट फोर्स खत्म हो जाएगा हो जैसे ही ब्वाइंट फोर्स खत्म होगा जैसे ही ब्वाइंट फोर्स खत्म होगा यह बॉल ऐसे कर नीचे गिरेगी और यह चेंबर ऊपर उड़ जाएगा यह कैप खुलेगी तो जो भी एयर बबल थे जैसे ही कैप खुलेगी ये एयर बबल इस कैप से बाहर निकल जाएंगे कैप से बाहर निकल जाएंगे क्लियर है मेरा बात और फिर क्या होगा एयर बाहर निकलेगी पानी चढ़ने लगेगा बड़े गौर से सुनना यहाँ एक बॉल थी यह आपका चेंबर था बॉल कनेक्टेड थी एक कैप से पूरा पानी भरा था बॉल पे काफी ब्वाइंट फोर्स लग रहा था बॉल ऊपर थी कैप बंद था जो भी एयर बबल आता जा रहा है यहां घुसता जा रहा है पानी का स्तर कम होने लग गया है जैसे ही पानी ज्यादा नीचे जाएगा ये बॉल गिरेगी बॉल गिरेगी कैप ऊपर जाएगा कैप ऊपर जाएगा हवा बाहर निकलेगी हवा बाहर निकलेगी पानी चढ़ने लगेगा पानी चढ़ेगा बॉल पे फिर बॉयड फोर्स लगेगा बॉल जो नीचे गिरी थी ऊपर आएगी कैप फिर बंद हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ये चलता रहेगा ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा कि हवा फंसती जाती है बॉइंट फोर्स पानी नीचे जाता है बॉइंट फोर्स कम होता है बॉल गिरती है कैप खुलता है एयर निकलता है पानी वापस चढ़ता है बॉल वापस ऊपर आती है कैप वापस बंद हो जाता है क्लियर है मेरा बात? चलिए। इसके बाद प्रेशर प्रेशर रिलीज़ पर देते हैं और उसका काम क्या है इट बेसिकली रिमूव्स और डिसिपेट्स एक्सेसिव प्रेशर इन पाइपलाइन, जो कि उसको बस्ट करने से बचाएगा से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक पाइप थी दोस्तों मान लीजिए एक पाइप थी ऐसी इस पाइप पे आपको यहां पे काम है यहां का काम निकला तो आपने क्या किया आपने मेंटेनेंस का काम था यहां पर गेटवाल्व बंद कर दिया गेट वाल से बंद कर दिया गेट वाल्व से आपने यहां पर पानी का रोक दिया गेटवाल्व से बंद हुआ जैसे ही यहां से बहुत सारा पानी आ रहा था वो इससे टकराया और वापस गया नया पानी यहां से आ रहा है पुराना पानी टकरा के यहां वापस आया है दोनों मिलेंगे तो पाइप को फोड़ सकते बस्ट कर सकते, समझना स्पीड में किसी ने गेटवाल बंद कर दिया तो नया पानी आके वॉल से टकरा कर पीछे गया वहां से नया पानी आ रहा है यहां से पानी यहां से पानी बस्ट कर सकती है पाइप पाइप बस्ट ना हो एक्सेसिव प्रेशर को डिसिपेट करने के लिए अपन यहां पर मान लीजिए एक प्रेशर रिलीज वॉल्व डाल लिया अपन ने यहां पर एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व डाल लिया इससे क्या होगा प्रेशर रिलीफ वॉल्व में ये एक ऐसा करके कॉइन टाइप का होगा ठीक है रुको होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड गाइस ऐसा टाइप का है। अब ये कनेक्टेड है एक स्प्रिंग से दिस इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग ऑफ सर्टेन स्टिफनेस स्प्रिंग की स्टिफनेस पाइप के मटेरियल के प्रेशर सहने की क्षमता से कम है मतलब पाइप का मटेरियल जो प्रेशर झेलता है पाइप का मटेरियल ज्यादा प्रेशर झेल पाता सकता है स्प्रिंग के कंपैरिजन में स्प्रिंग कमजोर है पाइप्स के मटेरियल से तो कभी भी एक्सेसिव प्रेशर आएगा तो पाइप फटने के पहले पाइप फटने के पहले ये स्प्रिंग दब जाएगी स्प्रिंग का प्रेशर झेलने की क्षमता कम है पाइप के मटेरियल से तो पाइप के फटने के पहले ये स्प्रिंग दब जाएगा मान लीजिए ज्यादा प्रेशर आया प्रेशर एकदम से बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा तो पानी यहां से इसको दबा देगा पानी दबाएगा ये दब जाएगा वो पानी यहां से बाहर निकलेगा और यहां पर नीचे अपन ड्रेनेज दिए होंगे उसमें जाकर गिर जाएगा पानी क्लियर मेरा बात और ऐसे अपन एक्सेसिव प्रेशर को डिसिपेट कर देंगे ठीक है वैसे ही अगला वॉल्व है ड्रेन 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 वॉल्व 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 ब्लो ऑफ का काम क्या होता है है आमतौर पर पर डेड दिया जाता है। पाइप के एंड में दिया जाता है कभी भी मेंटेनेंस करना है आपको पाइपलाइन के अंदर पानी है तो मेंटेनेंस कर लोगे क्या नहीं कभी भी किसी पाइप में आपको मेंटेनेंस करना है तो सबसे पहले आप गेट वॉल्व बंद करोगे पानी का फ्लो हो पहला काम दूसरा काम अंदर जो भी पानी है ड्रेन वॉल्व खोल के उसको निकाल लोगे ठीक है समझना यह आपकी एक पाइपलाइन थी दोस्तों इस पाइपलाइन में यह आपका डेड एंड है यहां पे एंड खत्म होता है यहां मेंटेनेंस करना है दोस्तों यहां मेंटेनेंस करना है सबसे पहले यहां स्टॉप वॉल बंद करके पानी के प्रवाह को पानी के फ्लो को रोक देंगे पानी फ्लो करना बंद हो गया अब इस पा... रीजन में तो अभी भी पानी है पाइप के अंदर पानी है तो मेंटेनेंस कर दोगे क्या नहीं यहां ब्लो ऑफ वॉल्व को यूज करके या ड्रेन वॉल्व को यूज करके आप इसको खोलोगे जो भी पानी निकलेगा ड्रेनेज में गिरेगा जो भी पर है, जो भी भी पर डिपॉजिट डिपॉजिट है है कचरा उसको भी निकालोगे और यहां पर मेंटेनेंस का काम चालू कर दोगे पानी बाहर निकल जाएगा पायलट वॉल्व का, का काम भी प्रेशर रिलीफ वॉल्व की तरह होता है डिसिपेट्स एक्सेसिव प्रेशर इन पाइप बटरफ्लाई वॉल्व भी स्टॉप वॉल्व की तरह काम करती है बटरफ्लाई वॉल्व भी स्टॉप वॉल्व यानी गेट वॉल्व फ्लू की तरह काम करती है जिसका काम क्या होता है पानी डिस्चार्ज को रेगुलेट करना या बंद करना पाइपलाइन में डिस्चार्ज को रेगुलेट करना या बंद करना बटरफ्लाई वॉल्व कुछ इस प्रकार की होती है ऐसी क्लियर है मेरा बात यह आपका पाइप है यह बटरफ्लाई वॉल्व है अभी पूरा खुला हुआ है वॉल्व अभी पूरा खुला हुआ है ठीक है सॉरी अभी पूरा बंद है होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड अभी पूरा खोलकर दिखा तो ये पूरा खुला है तो इसके दोनों साइड से पानी निकल रहा है दोनों साइड से पानी जा रहा है आपको इसको पाइप को बंद करना है पानी के प्रवाह को डिस्चार्ज को बंद करना है तो आप इसको घुमा दोगे आप इसको घुमा दोगे घुमा दोगे तो ये ऐसे करकर बंद हो जाएगा बगल में बना रहा हूं इसके ये ऐसे करके पूरी पाइप की जगह को घेर लेगा ठीक है यह आपका वॉल्व है ये पाइप है यहां मेरी तरफ देखिए जब ये खुला हुआ था पानी यहां से भी जा रहा था यहां से भी जा रहा था आपको पानी रोकना था आपने इसको घुमाकर बंद कर दिया तो अब पानी आगे नहीं जा पाएगा इसका भी वही काम होता है जो स्टॉप वॉल्व यानी स्लूज वॉल्व का, का काम होता है ठीक है दोस्तों फुट वाल्व, फुट फुटवाल्व भी पंप्स पर दिया जाता है फुट वॉल्व में एक रिफ्लक्स वॉल्व यानी नॉन रिटर्निंग वॉल्व तो लगा ही होता है साथ ही साथ ऊपर एक बल्ब लगा होता है जो ग्रिड पार्टिकल्स कंकर पत्थर स्टोन डब्रिस इनको रोकेगा यह कंकड़ अगर पंप में जाकर फंस गया तो पंप क्लॉग हो जाएगा घूमना बंद कर जाएगा अपना ऑपरेशन रुक जाएगा तो फुटवॉल कुछ ऐसा टाइप का होता है दोस्तों यहां एक ऐसा करकर बल्ब होगा इस बल्ब पे ऐसे होल्स होंगे इस होल्स के थ्रू पानी अंदर जाएगा इन होल्स के थ्रू ब्रास का ब्रास मेटल का बल्ब होगा जिसमें ओपनिंग्स होंगी पानी तो अंदर चला जाएगा परंतु कंकर पत्थर ग्रिट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे ठीक है साथ ही साथ यहाँ पे एक रिफ्लक्स वॉल्व भी होगा ताकि पानी उस डायरेक्शन में तो जाए परंतु उल्टे डायरेक्शन में ना जाए और अपन प्राइमिंग की समस्या से बच जाए क्लियर है मेरा बात तो ये अलग अलग प्रकार के वॉल्व थे जो आप यूज कर सकते हैं ठीक है नाउ लेट्स डिस्कस जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड गाइस अब डिस्कस करते हैं अपन टाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि पानी में अपन आ, वाटर सप्लाई के लिए अपन यूज कर सकते हैं फर्स्ट वन इज एंड सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज ट्री सिस्टम पहला कौन सा है एंड सिस्टम ऑल्सो नोन एज ट्री सिस्टम सेकेंड इज ग्रेड आयरन थर्ड इज सर्कुलर फोर्थ इज डेड एंड सिस्टम में डेडेंट सिस्टम एक इल प्लान सिटी इल प्लान सिटी मतलब पुरानी सिटी में इस्तेमाल होती है ठीक है जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ गाइस इल का मतलब क्या होता है प्लानिंग प्रॉपर नहीं गई की गई थी सिटी की है ना पुरानी सिटी है तो कुछ लोगों ने घर यहां बनाया हुआ है कुछ ने घर इस दिशा में बनाए हुए हैं घर बनाते है अपन लाल कलर से कुछ घर यहां बने हुए ऐसे कुछ लोगों ने घर यहां बना दिए कुछ लोगों ने घर यहां बनाए हुए कुछ ने घर ऐसे बनाए हुए कुछ ने ऐसे बनाए हुए तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है लोगों ने कहीं भी घर बना दिया किसी भी दिशा में बना दिया है ठीक है तो पाइप्स पाइप्स लोगों के घर के अनुसार डलेगी ताकि लोगों को ही तो पानी पहुंचाना है तो ये इल प्लान सिटीज ओल्ड सिटीज में होता है कोई पैटर्न नहीं है जहां पर घर दिख रहा है उस डायरेक्शन में अपन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप डाल देंगे लोग वहां से अपनी ब्रांचेस निकाल के अपने घर पानी पहुंचा देंगे क्लियर है मेरा बात इसमें दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे डेडेंट्स क्रिएट हो जाते हैं ये देखिए ये सारे के सारे डेडेंट्स है दीज ऑल आर डेडेंट्स नंबर ऑफ क्रिएट हो जाएंगे जरूरत से बहुत ज्यादा डेडेंट्स क्रिएट हो जाएंगे डेडेंट पे पानी जाकर थम जाएगा उसके आगे पानी जा नहीं सकता क्लियर है मेरा बात मान लीजिए ये एक एंड है ये एक एंड है यहां पानी जो पानी आया दिन भर का पानी आया और यहां पर जाकर रुक गया है अब अगले दिन पानी आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि नया पानी वहां रुकेगा पिछले दिन का ये रुका पानी फिर वहां धक्का के पहुंच जाएगा तो एक ही जगह पे बार बार एक ही पानी गंदा पानी पहुंचने लगेगा समय के साथ उस पानी में सेप्टिसिटी क्रिएट होगी लार्वा ग्रोथ क्रिएट हो जाएगा ठीक है पानी की कंडीशन पानी में ओडर आने लगेगा तो इस घर वाले को बेचारे को बड़ा गंदा पानी मिल रहा होगा डेडेंट्स पे जो घर होते हैं उन पे पानी की क्वालिटी काफी खराब हो जाती है मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा अपन ने इन डेडेंट सिस्टम नंबर ऑफ डेडेंट्स आर क्रिएटेड जहां पे पानी स्टैग्नेट होता है थम जाता है उस थम, पानी जब थम जाता है तो उसमें सेप्टिक और अनहाइजेनिक दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉल करता जाता है अलोंग द द लेंथ ऑफ पाइप यहां पर जो आदमी है उसको काफी अच्छे प्रेशर का पानी मिल रहा है यहां वाले को बहुत बढ़िया प्रेशर मिल रहा है इस वाले को बहुत कम प्रेशर का पानी मिल रहा है क्योंकि यहां आते आते प्रेशर कम हो गया है ठीक है तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता इट फॉल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप आखिरी घर वाले बेचारे को प्रेशर बहुत कम मिलता है पानी का मेंटेनेंस के टाइम पे बहुत बड़ा एरिया अफेक्ट होता है मेंटेनेंस के टाइम पे लार्ज एरिया अफेक्ट होता है कैसे मान लीजिए दोस्तों ये वाला घर वाला आदमी है इस आदमी के घर पे मेंटेनेंस था इसको मेंटेनेंस था इसने यहां से स्टॉप क्लॉक स्टॉप गेट वॉल्व बंद करवा दिया गेट वॉल्व के थ्रू इसने पानी का फ्लो यहां से रोक दिया क्योंकि इसके घर मेंटेनेंस था अब यहां से गेट वॉल बंद हुआ ये सारे घर वालों को पानी मिलना बंद हो गया एक आदमी के घर में मेंटेनेंस था बट मेंटेनेंस के दौरान काफी लोग उससे अफेक्ट हुए लार्ज एरिया गेट अफेक्टेड केस ऑफ डेड एंड सिस्टम ड्यूरिंग मेंटेनेंस क्लियर मेरा बात बाकी सिस्टम में इन चीजों को अपन ने सोलूशन निकाला हुआ है कैसे निकाला है पता चलेगा आपको अगली बात बताओ ये फायर फाइटिंग के लिए सुटेबल नहीं है फायर फाइटिंग के लिए क्यों सुटेबल नहीं है मान लो यहां आग लगी हुई है दोस्तों यहां आग लगी है यहां से पानी लेकर आप आग बुझाना चाहते थे यहां 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 मेंटेनेंस मेंटेनेंस चल रहा था 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 इसने यहां से से बंद बंद कर कर रखा हुआ था। यहां से यहां तो पानी ही नहीं है आग कहां से बुझाओगे है ना भाई तो फायर फाइटिंग के लिए यह सिस्टम सुटेबल नहीं है क्योंकि मेंटेनेंस के टाइम पे कई जगहों पर पानी जाना बंद हो जाता है क्लियर है मेरा बात अब इसके फायदे क्या क्या है कि पाइप की लेंथ कम लगेगी पाइप की लेंथ क्यों कम लग रही है अपन घर देख के पाइपलाइन डाल रहे घर वहां है उस डायरेक्शन में लोगों ने घर बनाया उस डायरेक्शन में पाइपलाइन बिछा दी तो गवर्नमेंट को पाइपलाइन कम लगती है साथ ही साथ एक पॉइंट पे पानी जाने का एक ही तरीका होता है एक पॉइंट पे पानी पहुंचने का एक ही तरीका इस पॉइंट पे पानी पहुंचने का इस पॉइंट पे पानी पहुंचने का, का एक ही तरीका है कैसे यहां से आएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा इस पॉइंट पे पानी पहुंचने का एक ही तरीका है करके इस पॉइंट पे डिस्चार्ज कितना आएगा पानी का इस पॉइंट पे हेडलॉस कितना होगा दोनों ही कैलकुलेशन सिंपलर होंगे ठीक है चूंकि पानी का एक पॉइंट पे पहुंचने का एक, एक ही तरीका है डिस्चार्ज और लॉस कैलकुलेशन सिंपल है क्लियर है तो ये एंड सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे अगले सिस्टम में जैसे कि ग्रिड आयरन है ग्रिड आयरन में क्या करते हैं यह आपका वॉटर मेन है पानी आता है इसमें इस पानी को अपन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में ले जाते हैं ये सब जो मैं से अभी बना रहा हूं ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है लोगों ने घर रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न में बनाकर रखे रुको लोगों के घर बनाकर दिखाता हूं लोग ऐसे रहते एक दो तीन यहां है तीन यहां है तीन यहां है लोग ऐसे रेक्टेंगुलर पैटर्न में रह रहे हैं दोस्तों जिसको इसको पानी चाहिए यहां से डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से ले लेगा इसको पानी चाहिए यहां से ब्रांच पाइप से ले लेगा वाटर मेन से पानी गया डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन से गया ब्रांच में ब्रांच से पानी ले लेगा पानी कंटिन्यूस फ्लो में है दोस्तों पानी ऐसा करके ऐसा करके कंटिन्यूस फ्लो में है दोस्तों कोई डेड एंड नहीं है डेड एंड एलिमिनेट कर दिए गए हैं डेडेंट एलिमिनेट कर दिए गए हैं करके सेप्टिक कंडीशंस प्रिवेल नहीं करेंगी डेडेंट्स एलिमिनेट हो गए करके सेप्टिक कंडीशन नहीं होगी क्लियर मेरा बात पानी कंटिन्यूस फ्लो में मेंटेन है तो डेडेंट्स एलिमिनेट हो गए हैं। चूंकि डेडेंट्स नहीं है डेडेंट्स आर एलिमिनेटेड वॉटर कंटिन्यूस मोशन में है हाइजीनिक सिस्टम है वेल प्लान सिटी रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न वाली सिटी के लिए इस्तेमाल होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट पे पानी पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों एक पॉइंट पे पानी पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं कैसे देखना बाबा इस पॉइंट पे पानी पहुंचाना है इस पॉइंट पे पानी पहुंचने का क्या क्या तरीका है इस पॉइंट पर पानी ऐसे पहुंच सकता है ऐसे पहुंच सकता है ऐसे पहुंच सकता है ऐसे डायरेक्ट पहुंच सकता है यहां से पहुंच सकता है यहां से पहुंच सकता है तो एक पॉइंट पे पानी पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं इसलिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है हेलो पराग किसी पॉइंट पर डेड एंड में एक पॉइंट पे पानी पहुंचने का एक ही तरीका था इस पॉइंट पे पानी पहुंचने का एक ही तरीका था तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ फॉल होता जाता था है ना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ फॉल होता जाता था पर यहां पे पानी पहुंचने के हर जगह से पानी पहुंच सकता है यहां पे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा मेंटेनेंस के टाइम पे कम एरिया अफेक्ट होगा ठीक है इसमें मेंटेनेंस होता था यहां पे मेंटेनेंस करना है यहां से बंद किया इस वाले घर को पानी नहीं मिलेगा पर इसमें इस घर पे पानी मान लीजिए यहां पर मेंटेनेंस था उसने इसको बंद कर दिया यहां से बंद कर दिया इस आदमी को यहां से पानी मिल सकता है यहां से मिल सकता है यहां से जाके मिल सकता है बहुत सारे तरीके पानी पहुंचने के एक पॉइंट पे तो मेंटेनेंस में कम एरिया अफेक्ट होगा ज्यादा एरिया अफेक्ट नहीं होगा मेंटेनेंस में कम एरिया अफेक्ट होगा ठीक है इसमें मेंटेनेंस में कम एरिया अफेक्ट होगा कम एरिया अफेक्ट होगा मेंटेनेंस में इसलिए फायर फाइटिंग के लिए ज्यादा सुटेबल है दिक्कत क्या है पाइप की लेंथ ज्यादा लगेगी लेंथ ऑफ पाइप रिक्वायर्ड विल बी मोर साथ ही साथ किसी पॉइंट पे पानी पहुंचने के अनगिनत तरीके हैं, किसी पॉइंट पे पानी पहुंचने के अनगिनत तरीके हैं, इसलिए हेडलॉस कैलकुलेट करना और डिस्चार्ज कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मतलब जो कि जितने भी एडवांटेजेस जितने भी डिसएडवांटेजेस थे डेड एंड के वो सारे के सारे एडवांटेजेस है ग्रेड आयरन के और जो भी एडवांटेजेस थे डेड एंड के वो सारे के सारे डिसएडवांटेजेस है ग्रेड आयरन के काम एकदम उल्टा हो गया है काम एकदम उल्टा हो गया है आई होप ये बात समझ आई होगी अगला सिस्टम है आपका सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम में यह आपका वाटर मेन है वाटर मेन आपकी सिटी की पेरीफरी से जा रहा होगा सिटी में किसी ब्लॉक की पेरीफरी से जा रहा होगा पूरी सिटी की पेरीफरी से नहीं सिटी के अंदर किसी पर्टिकुलर जोन में एरिया में ब्लॉक में उसकी पेरीफरी से जा रहा है हर घर वाला डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से पानी पा रहा है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप क्या हो गई जो वाटर मेन से कनेक्टेड है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है हर आदमी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से पानी पा रहा है हर आदमी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से पानी पा रहा है तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा और यूनिफॉर्म हो जाएगा ग्रिड आयरन से मतलब ग्रिड आयरन के कंपैरिजन में इसके कंपैरिजन में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा और बेहतर हो जाएगा क्लियर है मेरा बात बाकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एकदम सेम है कि फायर फाइटिंग के लिए सुटेबल है एक पॉइंट पे पानी पहुंचने के अनलिमिटेड तरीके हैं, तो मेंटेनेंस में ज्यादा एरिया नहीं होगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है रेक्टेंगुलर सिटी के लिए है, क्लियर है पाइप ज्यादा लग रही है डिस्चार्ज और हेडल कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम हो जाएंगे ग्रेड आयरन की तरह ठीक है आखिरी सिस्टम है आपका रेडियल सिस्टम रेडियल सिस्टम दोस्तों अपन स्मार्ट सिटी में पे यूज़ करते हैं बेस्ट सुटेबल बेस्ट प्लान सिटीज स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों बोलते हैं भाई हाँ कोई बताना चाहेगा वाई स्मार्ट सिटी इज कॉल्ड स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों बोलते आई ज्यादा होता है इसलिए बोलते हैं स्मार्ट सिटी की प्लानिंग स्मार्टली होती है करके उसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं स्मार्ट सिटी ऐसी जगह होगी बड़े कोई ऐसा सिटी जहां पे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में करना पड़ रहा है उसको स्मार्ट सिटी बोलेंगे हमेशा याद रखना कि एक रेक्टेंगल में इन रेक्टेंगल सम ऑफ लेंथ प्लस वर्थ लेंथ और व्यथ को एड करो आप वो हमेशा बड़ा होगा डायग्नल से डायगनल से हमेशा बड़ा होगा मतलब तुमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचना था तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में आप ऐसे जाते हो और फिर ऐसे जाते हो रेक्टेंगुलर पैटर्न में आप ऐसे जाते हो और फिर ऐसे जाते हो रेडियल पैटर्न में आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मारते हो डाइग्नल की तरह डायगनल के साथ आप जाते हो तो बाबा स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो रोड की लेंथ भी तो कम होगी तो पब्लिक का पैसा आपको कम डिस्टेंस ट्रेवल करने में पैसा बचाती है अब रोड के अलोंग तो पाइपलाइन भी ले किया होगा सीवर पाइप भी रोड के अलोंग गया होगा क्लियर है मेरा बात तो पाइप का लेंथ भी कम लगा फिर से पब्लिक का पैसा बचा क्लियर है मेरा बात तो सबसे बेस्ट सुटेबल पैटर्न क्या होता है जिसमें आप आ, लोगों को बसाए डेट इज डायमंड और स्टार पैटर्न डायमंड पैटर्न में लोगों को बसाना चाहिए क्लियर है मेरा बात तो इसमें यह आपका वॉटर मेन है यह आपका वॉटर मेन है या आपके डिस्ट्रीब्यूशन से आप रेडियली पानी बाहर रेडियल का मतलब सेंटर से बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है इन अ सर्कल इफ यू आर गोइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर देन यू आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड्स इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द सर्कमेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल यू आर गोइंग रेडियली इनवर्ड्स तो रेडियल पैटर्न में यहां से सेंटर से अपन रेडियली पानी भेजते हैं लोगों को बाहर की तरफ पाइप की लेंथ कम लगती है क्योंकि रोड की लेंथ कम है है ना तो पाइप की लेंथ लेंथ ऑफ पाइप रिक्वायर्ड इज लेसर देन आयरन सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम रेस्ट एडवांटेजवां ग्रेड आयरन के सेम है कि ग्रिड आयरन में प्रेशर यूनिफॉर्म uh, होता था इसमें भी होता है एक पॉइंट पे पानी बहुत जगह से पहुंच सकता है तो मेंटेनेंस में बड़ा एरिया इफेक्ट नहीं होता सुटेबल है फायर फाइटिंग के लिए लेंथ ऑफ पाइप ग्रिड आयरन और सर्कुलर से तो कम लगती है साथ ही साथ किसी भी पॉइंट पे हेड लॉस और डिस्चार्ज कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक पॉइंट पे पानी पहुंचने के अनगिनत तरीके हैं। क्लियर है मेरा बार तो आज क्या पढ़ा दोस्तों अपन ने आज अपन ने पढ़ा है आज अपन ने टाइप ऑफ पाइप्स पढ़ा कास्ट आयरन स्टील आरसीसी एसबेस्टोस देन रॉट आयरन गैल्वेनाइज़ आयरन ह्यूम स्टील पाइप बैटरी कॉपर पाइप्स टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़ा स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट थ्रेडेड जॉइंट फ्लेक्सिबल जॉइंट फ्लेंजड जॉइंट कॉलर जॉइंट ट है एयर रिलीज रिलीज वॉल्व इंपॉर्टेंट है ठीक है, है और ड्रेन वॉल्व भी इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पड़ा अपन ने ग्रेड आयरन डेड एंड सर्कुलर एंड रेडियल ये आपका चैप्टर थ्री था कि पानी को कैसे कन्वे किया जाता है जैसा मैंने आपको बताया था गेट में गेट एग्जाम के में मैच द कॉलम में आ सकता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसलिए मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज वाला जो चैप्टर थ्री है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से होता है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू किसी और एग्जाम की जूनियर इंजीनियर या किसकी तैयारी कर रहे तो फिर भी इंपॉर्टेंट है पर गेट के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोला था आज गुल्ला मारो जिसको भी मारना है ठीक है भाई चलिए कल अपन चैप्टर थ्री चालू करेंगे कल जो गुल्ला मारेगा उसके साथ हो जाएगी अनहोनी क्योंकि कल पढ़ेंगे अपन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो गेट 2021 में 5000 परसेंट आएगा चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही विल मिट बैक टुमारो एट थ्री ओ क्लॉक टाइमिंग चेंज हो गई है 3 पीएम से बैठेंगे अब तो कल मिलते हैं तीन पी पे अभी एक आज मैराथन रैपिड रिविजन मैराथन क्लास है रैपिड रिविजन मैराथन है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जिसमें अपन आईएलडी, आर्चेस और मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, कितने बजे पढ़ने वाले हैं? फाइव थर्टी जिसको भी लिंक चाहिए मेरे को डीएम करिए मैं आपको लिंक भेज दूंगा ठीक है फाइव थर्टी आपका रैपिड uh, रिवीजन क्लास है चलिए मिलते हैं बाद में अ नाइस डे गाइस आई जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड फाइव थर्टी है कि फाइव ओ क्लॉक है मैं ही भूल गया हूँ एक मिनट रुक जाओ बेटा ठीक है मैं कंफर्म कर देता तो, हूँ मैंने फाइव थर्टी बोल तो दिया तुमको क्या पता पाँच बजे हो फाइव थर्टी फाइव थर्टी पर है रैपिड रिविजन क्लास चलिए आज के लिए इतना ही विल मीट बैक टुमारो मोरो गई सेवन आई डे